हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव। जैसे कि हम पार्ट टू में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे दी एंड लगा ये पढ़कर आए हैं, तो अब हम देखेंगे पार्ट थ्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद की भारत की कहानी। तो शुरू करते हैं पार्ट थ्री और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फरवरी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर डी एंड लग चुका था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी को लगा था अब जो मूवमेंट है वो वायलेंट हो चुका है और सत्याग्रही को भी और भी ट्रेनिंग की जरूरत है किसी भी बड़े सत्याग्रह या मास स्ट्रगल से पहले। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में रोक दिया। लेकिन जो कांग्रेस के कई लीडर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब ये लोग बड़े बड़े सत्याग्रह करके थक चुके थे, एक तरीके से फेडअप हो चुके थे, क्योंकि जब भी सत्याग्रह करना होता था इनको इलेक्शंस छोड़ने होते थे और विदेश की सारी चीज़ें छोड़नी होती थी। तो कुछ लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास जी ये चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे मूवमेंट तो किए जाए लेकिन इलेक्शंस को बॉयकॉट ना किया जाए। ये लोग इलेक्शंस को लड़ना चाहते थे, ये लोग वापस से इलेक्शंस में आना चाहते थे। इनका मोटिव सिंपल ये था, इनका मानना था कि इलेक्शंस लड़कर भी हम ब्रिटिश की पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं और ब्रिटिश को बता सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो गलत है। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया जिसका बेसिक मोटिव था इलेक्शंस वापस से लड़ना। जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, जो काउंसिल पॉलिटिक्स में इलेक्शंस होने वाले थे, उन इलेक्शंस को वापस से लड़ना। लेकिन उसी कांग्रेस में कुछ लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जो चाहते थे कि हम इलेक्शंस को ना लड़ें, जो चाहते थे कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे सत्याग्रह और करें जिससे हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल पाए, आज़ादी मिल पाए। तो इससे क्या हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी या सिंपली कहें तो एक पार्टी कांग्रेस के अंदर दो ओपिनियंस क्रिएट हो चुके थे, दो ग्रुप्स बन चुके थे। एक उन लोगों का ग्रुप था जो चाहते थे इलेक्शंस को लड़ा जाए, एक वो लोगों का ग्रुप था जो चाहते थे इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाए। तो पूरी कांग्रेस में टेंशन्स का माहौल था, डिबेट का माहौल था, और ऐसे में हमारे देश में कुछ और भी चीज़ें हो रही थी जिससे हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड फील कर रहा था, और उसमें पहली चीज़ थी डिप्रेशन। अगर आप हिस्ट्री की इसी बुक को पढ़ोगे तो आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 1929-30 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, और इस डिप्रेशन की वजह से ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने सफ़र किया था और बहुत पूरी तरीके से सफ़र किया था। तो इसका असर हमारे इंडिया में दिखना शुरू हो गया था 1926 में। एक्चुअली डिप्रेशन की वजह से 1926 में ही जो प्राइजेस थी एग्रीकल्चरल गुड्स की ये गिरने लगी थी, धीरे धीरे जो प्राइजेस थी वो गिरने लगी थी, और 1930 तक आते आते ये प्राइजेस पूरी कोलैप्स हो गए पूरी तरीके से। प्राइजेस का, एग्रीकल्चरल प्राइजेस का या किसी भी और चीज़ की प्राइजेस का बुरा हाल हो गया था। इससे क्या हुआ था, हमारे इंडिया के जो पीजेंट्स थे, जो किसान लोग थे, इन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इनको खाने के लाले हो गए थे, इनके पास पैसे नहीं थे कि एक वो ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू दे पाए, और ऐसे में ये लोग जब इतना सफ़र कर रहे थे तो बहुत दिक्कत आ रही थी। हम कह सकते थे कि उस टाइम पर डिप्रेशन की वजह से हमारी इंडिया की कंट्री साइड यानी कि जो ग्रामीण इलाके थे वो बहुत ही बदतर सिचुएशन से सफ़र कर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने भी हम इंडिया वालों को नहीं छोड़ा, उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसका नाम था साइमन कमीशन। एक्चुअली उसका नाम हम साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके लीडर जॉन साइमन थे। उन्होंने एक कमीशन बना दी थी साइमन कमीशन नाम से, जिसका मेन काम ये था कि वो इंडिया में आएगी और देखेगी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, और उसमें चेक करेगी क्या कोई और सुधार की ज़रूरत है, क्या कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इस कमीशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो कमीशन में दिक्कत ये थी कि उस पूरी कमेटी में, साइमन कमेटी में, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे लोग फिरंगी थे, सारे लोग ब्रिटिश के थे। तो हमारे इंडिया वालों को बड़ा गुस्सा आया कि आप इंडिया की पॉलिसीज़ को चेक करने आ रहे हो और आपकी कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है। तो इंडिया वालों ने कहा आप आके दिखाओ। जैसे ही 1928 में ये साइमन कमीशन इंडिया में आई तो इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, स्लोगन्स गाए गए कि गो बैक साइमन, साइमन गो बैक साइमन। सभी लोगों ने इनका स्वागत किया इन्हीं स्लोगन के साथ कि साइमन भैया वापस जाओ, गो बैक साइमन। और सभी लोग, व्हेन आई से सभी लोग इट मींस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने मिलकर कहा कि गो बैक साइमन। और ऐसी सिचुएशन को देखकर जो उस टाइम पर लॉर्ड इरविन थे, उसने भारत को लालच देने की चाही, उसने भारत की कांग्रेस पार्टी से कहा आप एक काम करो,
आप ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट छोड़ो, हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो। एक्चुअली ये ब्रिटेन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोगों को ले जाती थी, भारतीय लोगों को, और उनकी कोई भी डिमांड को मानना मानना नहीं होता था, बस ऐवें ही ले जाती थी। तो इन्होंने इंडिया की कांग्रेस पार्टी को भी लालच दी कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चलो जो लंदन में होने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोले कि आप हमें मत बनाओ, किसी और को बनाते होगे, हम लोग नहीं आने वाले किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ये सब सुनकर जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके अंदर और गुस्सा बढ़ गया, और इनके अंदर से बहुत ज़्यादा वो एक डिज़ायर टाइप होता है कि अब तो देश को आज़ादी दिलानी ही दिलानी है। और ऐसी सिचुएशन में इन्होंने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा देश की आज़ादी दिलाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने की चाह सब में जगाने के लिए। तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, और उस दिन सब लोग शपथ लेंगे कि आज हमारा देश आज़ाद होता है, आज हमारे देश को पूर्ण स्वराज मिलती है। यानी कि दिसंबर 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में डिसाइड किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इंडिया का, और सबको बोलेंगे इंडिया की आज़ादी के लिए शपथ लो। सबको लग रहा था कि ये जो स्टेप है हमारी इंडिया की आज़ादी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, इससे सब लोगों के मन में एक आज़ादी की चाह जाग जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम ही लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, इस स्टेप की तरफ अट्रैक्ट हुए कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाते हैं, क्योंकि असल में हम उस टाइम पर पूर्ण स्वराज नहीं पाया हुआ था, असल में हम उस समय आज़ाद नहीं हुए थे। तो अब सबकी निगाहें वापस टिक गई महात्मा गांधी जी पर कि अब महात्मा गांधी जी ही कुछ करेंगे, कोई बड़ा मूवमेंट लाएंगे। तो अब महात्मा गांधी जी ने हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर लिख दिया जो चैप्टर पढ़ा ही इनक्रेडिबल है, और उस चैप्टर का नाम था द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सबकी निगाहें महात्मा गांधी जी पर टिकी थी कि महात्मा गांधी जी अब क्या करने वाले हैं, कौन सा मूवमेंट लाने वाले हैं। तो जिस तरीके से आज के टाइम पे आपने एक सुना होगा MBA चाय वाला नाम से, उससे जब पूछा जाता है कि उसने चाय को क्यों चुना, तो उसने कहा मैंने चाय को इसलिए चुना क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पर लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से गांधी जी ने भी एक ऐसी चीज़ को चुना मूवमेंट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, जिसको सब लोग यूज़ करते हों, जिससे सारे लोगों को एक साथ लाया जा चुके। गांधी जी ने चुना सॉल्ट को, नमक को। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी नमक के अधिकार के लिए, और डिटेल में बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली गांधी जी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल की तरह देखा जिससे सभी लोग एक साथ आ सकते हैं, और क्योंकि सॉल्ट क्या था, एक ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम हर इंसान यूज़ करता था। एक्चुअली जो कॉलोनियल पीपल थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, ये क्या करते थे, नमक पर टैक्स लगाते थे, सॉल्ट पर भी टैक्स लगाते थे। अब नमक तो हमारी बेसिक नीड है ना, ज़्यादातर चीज़ों में हम नमक तो यूज़ करते ही हैं, तो सॉल्ट तो बेसिक नीड है, लेकिन ये जो ब्रिटिश पीपल थे सॉल्ट पर भी टैक्स लगाते थे। तो सबने कहा यार ये तो गलत है, तो गांधी जी ने कहा हम इसी के लिए सत्याग्रह करेंगे, इसी के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सबको एक साथ ला सकते हैं। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1929 को जो विसरॉय इरविन थे उस टाइम पर, विसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा, उसमें 11 डिमांड्स को लिखकर भेजी, और वो जो लेटर था उसमें गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स लिखी थी वो सभी डिमांड्स अलग अलग कम्युनिटीज़ की थी, जैसे कुछ डिमांड्स इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, कुछ डिमांड्स फार्मर्स की थी, कुछ डिमांड्स वर्कर्स की थी, कुछ डिमांड्स किसी और कम्युनिटी की थी। तो गांधी जी ने इतनी अलग अलग डिमांड्स इसलिए लिख के भेजी थी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ लाकर मूवमेंट कर सके। तो गांधी जी ने एक लेटर भेजा लॉर्ड इरविन को, विसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा, उसमें बताया कि देखो भैया ये हमारी 11 डिमांड्स हैं, इनको आपको पूरा करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे तगड़ी डिमांड थी वो थी टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, की यार आप लोग जो मुझ पर सॉल्ट टैक्स लगा रहे हो हम भारतीय लोगों पर, उसको मिटाओ, उसको हटाओ। तो अब सब पूरा स्टेज सेट था, समा बन चुका था, गांधी जी ने अपना लेटर भेज दिया था। अब जो गांधी जी का जो लेटर था वो सिर्फ एक लेटर नहीं था, धमकी टाइप थी। गांधी जी ने उस अपने लेटर में बोला था कि अगर आपने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की तो हम हड़ताल करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने बोला था कि अगर आपने जो हमारी डिमांड्स है 11 डिमांड्स उनको पूरा नहीं किया तो 11th of March से हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे। अब विसरॉय इरविन को लगा ये मजाक चल रहा है, उसने कहा जो करना है करो, तो उसने सबको हल्के में ले लिया। तब गांधी जी ने बताया कि भारतीय लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो गांधी जी ने जो बोला था उसको डिलीवर किया, जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया। उन्होंने कहा था कि हम
सत्याग्रह करेंगे, उन्होंने कहा था हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे, उन्होंने शुरू किया वो अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, 78 और को वर्कर्स के साथ, को मेंबर्स के साथ निकल पड़े अपने आश्रम से। वो साबरमती में अपने आश्रम से निकल पड़े अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ जिन पर वो भरोसा करते थे, इस उम्मीद में कि वो सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। और वो कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि वो यही कहते हैं कि मैं तो अकेले ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। यही केस हुआ गांधी जी का, जब गांधी जी ने शुरू किया था दांडी मार्च को। ये जो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी उनके, तो सिर्फ 78 वॉलेंटियर्स थे। और जब वो दांडी पर पहुंचे थे 24 दिन के बाद, जब वो दांडी पर पहुंचे थे जो एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, तो उस टाइम पर उनके साथ 24-25 हज़ार लोग, हजारों की संख्या में लोग थे। तो गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की, दांडी मार्च शुरू की 78 वॉलेंटियर्स के साथ। हर रोज वो बहुत चलते थे, 10-12 माइल्स उनको हर रोज चलना पड़ता था। और जब भी जहाँ जहाँ भी वो रुकते थे, बहुत सारे लोग, हजारों लोग उनको सुनने आते थे, उनसे स्वराज की डेफिनेशन समझते थे, उनसे आज़ादी का मतलब समझते थे। तो धीरे धीरे गांधी जी ने 24 दिन के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे। दांडी में उबलते हुए पानी से, 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी पहुंचे, तो उन्होंने उबलते हुए पानी से, बॉयल सी वाटर से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, यानी कि नमक को मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, उस दिन से शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक ये है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने सबको बोला था कि नॉन कॉपरेट करो, सहयोग मत करो ब्रिटिश को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने सबको बोला कि नॉन कॉपरेट तो करना ही करना है, सहयोग करना तो बंद करना ही करना है, सपोर्ट करना तो बंद करना ही करना है। साथ ही साथ ये जो ब्रिटिश ने हम पर कॉलोनियल लॉज बनाई है ना, ये जो ब्रिटिश ने कानून बना रखे हैं, उनको भी तोड़ना है। तो ये जो लॉ, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें दो चीज़ों को देखा गया, पहला कि हम इनका कॉपरेट, इनको सपोर्ट करना छोड़ें ब्रिटिश को, दूसरा इनकी लॉज को तोड़ें। तो जगह जगह पर देश के हजारों हिस्सों में सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, जो फॉरेन क्लॉथ था उसको बॉयकॉट कर दिया गया, जो विदेश से आने वाला सामान था उसको बॉयकॉट कर दिया गया, शराब वराब की दुकानों को फिर से ब्लॉक कर दिया गया। और एक बहुत ही तगड़ा मोमेंट अब सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बन चुका था, क्योंकि अब सब लोग आगे आ रहे थे और लॉस को तोड़ रहे थे। जैसे जो पीजेंट्स थे, जो छोटे छोटे किसान थे, इन्होंने चौकीदारी टैक्स रेवेन्यू देने से मना कर दिया। जो जंगल के लोग थे, जिनको जंगल में नहीं आने दिया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, वो जबरदस्ती लॉ को तोड़कर जंगल में चले गए। तो ये लॉ तोड़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। और ऐसे में देखकर ब्रिटिश घबरा तो गया ही था, लेकिन ब्रिटिश ने फिर अब वही अपनी वही पुरानी घिसी पिटी टैक्टिक्स शुरू कर दी। उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब उन्होंने अरेस्ट किया अब्दुल गफ्फर खान को, अब्दुल गफ्फर खान एक बहुत ही अच्छे लीडर थे और गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे। तो जैसे ही उन्होंने अब्दुल गफ्फर खान को अरेस्ट किया, तो वॉयलेंस शुरू हो गया पेशावर की गलियों में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अटैक करने लगे। बट यहाँ तक तो बात फिर भी कंट्रोल थी, कंट्रोल में थी पूरी सिचुएशन। लेकिन जब 1 महीने बाद गांधी जी को अरेस्ट किया गया, तब जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि कई जगहों पर तो हर चीज़ को तोड़फोड़ कर दी गई जो 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 ब्रिटिश की थी। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, शोलापुर में तो इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ, हद से ज़्यादा। तो गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया, तो इस मूवमेंट ने नॉन वॉयलेंस से वॉयलेंस का पथ पकड़ लिया था, वॉयलेंस का रास्ता पकड़ लिया था। और जैसे ही गांधी जी ने देखा यार ये तो फिर वॉयलेंस में हो रहा है, तो उसी पल गांधी जी को मजबूरी में आकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकना पड़ा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, सिविल डिसोबीडियंस, डिसओबीडियंस का मतलब होता है डिसओबे करना, यानी कि जो भी आपको बोला जाए उसको डिसओबे करना। तो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम डिसओबीडियंस रखा गया था, क्योंकि इसका काम क्या था कि हम उनकी लॉज को, ब्रिटिश की लॉज को डिसओबे करने वाले थे। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, पूरा मूवमेंट वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। गांधी जी को मजबूरी में क्या करना पड़ा, मूवमेंट को उसी पल रोकना पड़ा। और मजबूरी में गांधी जी को जो विसरॉय इरविन था उसके साथ समझौता करना पड़ा, एक पैक्ट साइन करना पड़ा। और वो समझौता ये था कि विसरॉय इरविन ने बोला था कि अगर गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली थी उसमें हिस्सा लेते हैं, तो हमने जितने भी लीडर्स को अरेस्ट किया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फर खान, उनको हम जेल से छोड़ देंगे। तो गांधी जी को मजबूरी में आकर लंदन जाना पड़ा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि गांधी जी की बात कहीं कोई मानी नहीं गई और गांधी जी वहाँ से डिसअपॉइंटेड ही लौटे। लेकिन जब वो भारत आए, तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज लोग थे वो अपने वादे से मुकर चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि ये
पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू अब्दुल गफ्फर खान को छोड़ देंगे, लेकिन जब गांधी जी वापस आए तब भी ये जवाहरलाल नेहरू जी को अब्दुल गफ्फर खान को जेल में ही रखे हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी जिससे जो कांग्रेस थी उसको गैर कानूनी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, और अब इन्होंने लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। ये लोगों की मीटिंग्स भी नहीं होने देते थे जिससे वो डिस्कस कर सकें चीज़ों को। ऐसी सिचुएशन देखकर गांधी जी को लगा कि उनके साथ धोखा टाइप्स हुआ है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हमको फिर से ये मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक बार चीज़ छूट जाए तो फिर वो छूट ही जाती है। तो जब फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ ना, तो अब वो मूवमेंट की रफ्तार ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए अब लोगों ने ज़्यादा कुछ उसमें खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, खास सपोर्ट नहीं किया, और 1934 तक आते आते ये मूवमेंट बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। इस मूवमेंट में कोई भी मोमेंटम नहीं बचा रहा। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, और कैसे ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के साथ धोखा किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बुला के, ये भी आपने देखा। अब जिस तरीके से अभी हमने देखा था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें अलग अलग लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब, स्वराज का मतलब अलग अलग निकाला था, उसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब, स्वराज का मतलब अलग अलग निकाला था। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सिंपल अगर हम देखें द पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट या द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे रिच पीजेंट्स, यानी कि जो अमीर किसान हुआ करते थे, अमीर फार्मर्स हुआ करते थे, तो अमीर फार्मर्स जनरली हुआ करते थे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। ये लोग पहले बड़े अमीर हुआ करते थे, लेकिन जब डिप्रेशन आया तो इनकी भी इनकम गिरी, इनकी भी जो आय थी, इनकम थी, वो गिरी, जिसकी वजह से इनको भी मुश्किल हो गया रेवेन्यू देना। इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया जो ब्रिटिशर्स थे उनको रेवेन्यू दे पाना, और ऐसी सिचुएशन में ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, और इसीलिए इन्होंने अपनी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई और मूवमेंट भी किया। लेकिन जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब एक उम्मीद आई है जिससे ये अपने हाई रेवेन्यू के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये जो जाट्स थे, पाटीदार थे, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया और अपनी डिमांड्स को रखा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जाट्स थे और जो पाटीदार थे, इनके लिए स्वराज का मतलब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मतलब था जो हाई रेवेन्यू है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना था। इनके लिए पहला मतलब ये नहीं था कि देश को आज़ादी दिलानी है, इनके लिए पहला मतलब था कि अपने जो हाई रेवेन्यूज इनको देने पड़ रहे हैं उनको कम करवाना था, उनको हटवाना था। ये था इनके लिए स्वराज का मतलब। अब वहीं पर अगर हम दूसरा केस देखते हैं इन्हीं का, कि जब जाट्स और पाटीदार जो थे ये शुरू में तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को 1931 में रोका, क्योंकि उसमें वॉयलेंस आने लगा था, तो ये बेचारे बहुत मायूस हो गए, क्योंकि इनकी डिमांड्स भी पूरी नहीं हुई थी और उतने समय के लिए इनका बिजनेस भी पूरा ठप रहा, इनका मतलब पूरा फार्मिंग भी इन्होंने नहीं कर पाई, तो ये लोग बड़े मायूस हो गए। इसलिए जब गांधी जी ने फिर से जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, फिर से इस मूवमेंट को बोला कि हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस मूवमेंट में, और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूरी बनाए रखी। अगर हम दूसरा केस देखें पुअरर पीजेंट्री का, पुअरर पीजेंट्री मतलब जो पहले से बहुत गरीब किसान थे, अब देखो जो अमीर किसान थे डिप्रेशन की वजह से वो भी गरीब हो गए थे, तो जो पहले से गरीब किसान थे वो तो और भी गरीब हो जाएंगे डिप्रेशन की वजह से। तो ये जो पुअरर पीजेंट्री थी, ये लोग डिप्रेशन की वजह से बहुत बुरी हालत में आ गए थे, खाने के लाले थे, खाने पीने के भी लाले थे, और ऐसे में इनको रेवेन्यू के पैसे भी देने थे, रेंट के पैसे भी देने थे। तो आप ही सोचो, अगर आपके पास खाने का पैसा तक ना हो तो आप रेंट का पैसा कहाँ से दोगे? तो ये जो छोटे छोटे वर्कर्स थे, छोटे छोटे पीजेंट्स थे, गरीब, ये चाहते थे कि इनकी जो रेंट है, इनका जो किराया है, इसको माफ़ कर दिया जाए, इनका जो किराया है उसको हटा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने कई छोटे छोटे मूवमेंट्स भी चलाए थे, छोटी छोटी मीटिंग्स भी कर रखी थी, और ये लोग चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करना, क्योंकि ये अपनी डिमांड्स को उठाना चाहते थे कि हमारे किराए को, हमारे रेंट को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इनको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, वो इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जो पुअरर पीजेंट्री थे, जो बहुत ज़्यादा गरीब किसान थे, और जो ये लोग थे कांग्रेस वाले, इनके बीच 36 का आंकड़ा बना रहा, और ये जो पुअरर पीजेंट्री थे ये सही से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाए। थर्ड जो केस आता है वो थोड़ा अनोखा है, इनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। थर्ड केस था बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का। उनका केस क्या था? तो जो मर्चेंट्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे इंडिया के, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, लेकिन ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, लेकिन उनके बिजनेस को फैलने से रोक रहा था ब्रिटिश की पॉलिसीज, कॉलोनियल पॉलिसीज और कॉलोनियल लॉज।
तो ये चाहते थे इन पॉलिसीज को हटाया जाए, ये चाहते थे इनको इम्पोर्टेड गुड्स पर प्रोटेक्शन मिले और एक रुपी स्टर्लिन एक्सचेंज रेशियो सेट हो। एक्चुअली एक फाइनेंशियल टर्म है बट बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। रुपी का मतलब इंडिया करेंसी थी, स्टर्लिन का मतलब था ब्रिटेन करेंसी। तो ये इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज रेशियो सेट कराना चाहते थे जिससे जो ब्रिटेन का बिजनेस है हमारे इंडिया में वो थोड़ा कम हो जाए और इंडिया में इनका बिजनेस और ज़्यादा फैल पाए। लेकिन ये चीज़ ब्रिटेन तो करने वाला नहीं था, ब्रिटिश सरकार तो करने वाली नहीं थी, तो इसके लिए इन्होंने कई खुद की भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे जैसे द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस विच वॉज फॉर्म इन 1920 और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फिक्की थी जो आज के टाइम पर भी चल रही है, जिसको 1927 में फॉर्म किया गया था, FICCI। ठीक है, तो इन्होंने अपनी छोटी छोटी इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी टू सपोर्ट देयर डिमांड्स। लेकिन जब इन्होंने देखा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन आ रहा है तो इन्होंने भी कहा कि चलो बहती नाव में सवार हो जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को ज्वाइन करते हैं। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को बहुत एक्टिवली सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। अब आप देखोगे यहाँ पे मर्चेंट्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जैसे कि जी डी बिरला, पुरुषोत्तम दास, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इनके लिए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन का मतलब क्या था, जो लॉज ब्रिटिश ने बना रखी थी इनके बिजनेस को जो रोकती थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, जिस तरीके से पाटीदार्स और जाट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था, हाई रेवेन्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ना, इसी तरीके से इनके लिए स्वराज का मतलब था जो पॉलिसीज थी जिनकी वजह से इनका बिजनेस रुका हुआ था उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। लेकिन जब ये मूवमेंट पहली बार रुक गया 1931 में, जब गांधी जी ने इसको रोक दिया, तो ये लोग भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे क्योंकि इनका भी इसमें बहुत टाइम जा रहा था और तब तक के लिए जब तक इनका ये सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चल रहा था तब तक के लिए इन्होंने अपना बिजनेस करना भी बहुत कम कर दिया था। और जब ये मूवमेंट 1932 में फिर से स्टार्ट हुआ तो इन्होंने इतना कुछ एक्टिवली सपोर्ट नहीं किया इस मूवमेंट को, क्योंकि ये इनको लगने लगा था कि अब ये जो मूवमेंट है अब इनके लिए नहीं बचा है, क्योंकि इनका बहुत टाइम जा चुका था और अब इनको डर था कहीं इस वजह से इनका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से ठप ना हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए जब फिर से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो इन्होंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चौथे जो लोग थे वो थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो भी बहुत दूरी बनाए रहे इस मोमेंट से। एक्चुअली क्या होता था, आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी हो तो दो तरीके के लोग होते थे, एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी खुद की पूरी इंडस्ट्री होती थी और दूसरे होते थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते थे। ये दोनों लोग एक्चुअली आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते थे, क्योंकि वर्कर्स की हमेशा डिमांड रहती थी इंडस्ट्रियलिस्ट से कि हमारी सैलरीज बढ़ाओ, हमारे रेंट को कम करो। तो कांग्रेस भी ये जानती थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इन दोनों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए कांग्रेस को भी ये पता था कि वो इनमें से किसी एक को ही सपोर्ट कर सकती है, और चूंकि उसने पहले ही इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर दिया था तो जो वर्कर्स थे उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कांग्रेस के पास जाएंगे भी तो भी कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी किसके साथ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। और कांग्रेस को भी ये डर था कि अगर उसने दोनों को सपोर्ट कर दिया तो ऐसा ना हो कहीं दोनों ही हाथ से निकल जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी और इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी कांग्रेस से दूरी बनाई रखी, लेकिन हाँ कई जगहों पर छोटे छोटे जो लोग ग्रुप्स थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, जैसे उनके जो आइडियाज़ थे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है उनको सपोर्ट किया। कई जगहों पर जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक भी की 1930 में और 1932 में। हज़ारों वर्कर्स जो थे छोटा नागपुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उन्होंने गांधीयन कैप भी पहनी जो खादी की बनी होती थी, उस कैप को भी पहना गांधी जी की पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखते तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट से दूरी बनाकर रखी थी। जो फिफ्थ बहुत यूनिक चीज़ थी इस मूवमेंट के बारे में कि इस मूवमेंट में वुमेन ने बहुत मैसिवली सपोर्ट किया था, वुमेन ने बहुत लार्जली पार्टिसिपेट किया था और इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। एक्चुअली वुमेन इतनी इंस्पायर्ड थी गांधी जी के थॉट प्रोसेस से कि उनको ये लगने लगा था कि उनके लिए देश की सेवा करना एक धार्मिक ड्यूटी है, एक सेक्युलर ड्यूटी है, जिसकी वजह से वो देश की सेवा में लग चुकी थी, देश के लिए कैंपेन करती थी, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन में हिस्सा लेती थी, रैलीज करती थी, कई बार जेल भी जाती थी। और जब जब गांधी जी कहीं पर रुकते थे तो हज़ारों वुमेन्स उनकी बातों को सुनने आती थी, उनके थॉट को कि उनका स्वराज का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ये सब सुनने आती थी। लेकिन ये जो वुमेन होती थी ये जनरली रिच हाउसहोल्ड से ही होती थी, जैसे अगर अर्बन हाउसहोल्ड में देखें तो ये रिच फैमिलीज से आती थी, अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो ये रिच पीजेंट्स के घर से आती थी। तो ये जनरली जो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी ये अमीर घराने से आती थी।
एट द सेम टाइम हमें ये देखना जरूरी है कि माना कि वुमेन ने बहुत लार्जली पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन में, बट इसका मतलब ये नहीं था कि इनको पॉलिटिकली राइट्स मिल चुके थे। गांधी जी भी यही मानते थे बहुत सारे लोगों की तरह उस टाइम पर कि वुमेन का पहला काम है अपने घर में रहना, घर की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना। इसीलिए कांग्रेस में कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि जब वुमेन ने इतना पार्टिसिपेट शुरू करना शुरू किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वुमेन को पॉलिटिक्स में लाना, वुमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना। तो वुमेन ने हाँ पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन में, बट उसका मतलब ये नहीं था कि वुमेन को पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मिल चुकी थी। तो अभी हमने देखा किस तरीके से 5 कम्युनिटीज, पहली जो जाट्स और पाटीदार्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, दूसरी जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया कि वो कैसे दूरी बनाए रखे, तीसरी जो बिजनेसमैन मर्चेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, चौथी जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, एंड फिफ्थ द मोस्ट यूनिक थिंग गांधी जी के इस मूवमेंट में वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया ये भी देखा। अभी जो हमारा इसके बाद टॉपिक आता है, इट इज़ द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी। बेसिकली मैं इसी वीडियो में इस टॉपिक को कवर करना चाहता था, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, मेरी भी कुछ वीडियो डालने की लिमिटेशंस हैं कि मैं इतने टाइमलाइन से ज़्यादा नहीं डालूंगा। ठीक है, तो पार्ट 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए इस चैप्टर को रीड कर लेना। एक्चुअली मैंने इसीलिए पार्ट वाइज आपको पढ़ाया है जिससे जब जो पार्ट पढ़ाऊँ उतना आप रीड करो, तो पार्ट 3 तक आप कंप्लीट रीड कर लेना। पार्ट 4 जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा वेरी सून अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं पार्ट 4 में, हमारे चैप्टर को खत्म करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारे नोट्स को। ऑल द बेस्ट एवरीवन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट।